आज हम बनाएंगे पत्ता गोभी का कोफ्ता, कैबेज जिसको भी बोलते हैं, गांठ गोभी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम का लिया है पत्ता गोभी, इसके ऊपर के छिलके को निकाल करके साफ कर दिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे, पहले के हमने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम बेसन डालेंगे, 400 ग्राम पत्ते गोभी में हम 4 चम्मच पहले बेसन डालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो और डालेंगे। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हरा मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, नमक डाल करके हाथों से अच्छी तरह से इसको हम मिलाएंगे। इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है तो 1 चम्मच बेसन और हम डाल करके मिलाएंगे। अच्छी तरह से बेसन को मिलाने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा धनिया का पत्ता लिया है, इसको डाल देते हैं। अब हम छोटा छोटा सा बॉल बनाएंगे। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। ऑयल भी मेरा गर्म हो गया है। अब हम डाल देते हैं एक एक करके कोफ्ते। मीडियम फ्लेम पे इसको हम तलेंगे और अभी इसको हम टच नहीं करेंगे, 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसको हम नीचे की तरफ सिकने देंगे। जब हल्का सा सिक जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, नीचे से अच्छी तरह से सिक गया है, अब इसको हम पलट देते हैं। कोफ्ते देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल देते हैं दूसरे प्लेट में। कोफ्ते मेरे जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसके मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कलियां लहसुन की ली हैं, थोड़ा सा अदरक है 1.5 इंच का और 2 हरी मिर्च है। इन तीनों का हम पहले पेस्ट बना लेते हैं। सभी कोफ्ते देखिए मेरे फ्राई हो गए हैं। अब उसी कढ़ाई में हम कुछ खड़े मसाले लेंगे और हमने ऑयल निकाल दिया है, 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल लगा है। अब यहाँ पे 2 छोटे तेज पत्ते, 2 लौंग, 1 दालचीनी और जीरा है 1/2 चम्मच, 2 पिंच हींग डालेंगे, 1 छोटी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 प्याज है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, इसको डालकर के फ्राई करेंगे। प्याज से छोटा तो गोल्डन कलर का हो जाएगा, तब तक इसको भूनेंगे। हल्का सा प्याज भून गया है, यहाँ पर अदरक हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, इसको हम डाल देंगे। डाल करके अच्छी तरह से भूनेंगे, अच्छी तरह से भून गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा का पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार डालेंगे 1 चम्मच, 1 मसाले देखिए अच्छी तरह से भून गए हैं। फिर हमने 2 टमाटर बड़े टमाटर थे इसको काट करके पेस्ट बना दिया है, अब इसको भी डाल देते हैं। टमाटर को भी हम जब तक भूनेंगे कि तेल सेपरेट ना हो जाए मसालों से। देखिए अच्छी तरह से भून गया है। इसमें 1/2 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, अगर आप तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, डाल करके इसको 2 मिनट के लिए एक बार और भूनेंगे। सभी मसाले भी अच्छी तरह से भून गए हैं, तेल भी देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है अपने आवश्यकता अनुसार। अगर आपको थोड़ा सा और पतला या गाढ़ा चाहिए तो उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं। कोफ्ते डालने के बाद इसको हम ढक करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हो गए हैं,
अब हम खोल कर देखते हैं। देखिए मेरे कोफ्ते बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं। गैस को अब हमने ऑफ कर दिया है। कोफ्ते मेरे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकालते हैं। कोफ्ते देखिए मेरे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। देखिए तोड़ रहे हैं तो देखिए सॉफ्ट बना हुआ है मेरा कोफ्ता। अगर इस रेसियो से आप भी बनाएंगे कोफ्ते तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।